वैसे तो कहा जाता है कि इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है, और है, कहा नहीं जाता है, एक्चुअली जस्ट अबाउट 15-20% ऑफ द फिल्म्स रिलीज्ड एवरी ईयर सक्सीड एट द बॉक्स ऑफिस. फिर भी जिस स्टार को देखो वो प्रोडक्शन की तरफ भाग रहा है. एंड टुडे विद अस इन द स्टूडियो इज वन मोर सच स्टार, ऋषिता भट्ट, जिन्होंने हाल ही में एक फिल्म बनाई है, उनकी पहली प्रोडक्शन वेंचर है शकल पे मज्जा. तो वी हैव विद अस ऋषिता भट्ट एंड हर पार्टनर प्रोड्यूसर दीपक जलान. प्लीज वेलकम देम. वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस. ऋषिता, मैंने सही कहा ना कि सक्सेस रेशियो इतना लो है और फिर भी हर स्टार को फिल्में बनानी है, क्यों? बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि आई बी ऑनेस्ट, जब कोई एक्टर फिल्म्स में काम करता है, या तो वो गोस्ट डायरेक्शन में चला जाता है और या तो फिर वो प्रोडक्शन में चला जाता है. एंड इट्स अ पार्ट ऑफ यू, यू नो, व्हेन यू डू सो मेनी फिल्म्स एंड यू स्टार्ट फीलिंग के एज एन एक्टर यू वांट मोर, यू वांट टू डू मोर, देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट गेट अ गुड स्क्रिप्ट, यू फील लाइक मेकिंग अ फिल्म देन. तो ऐसा होता है, आई थिंक, यू नो, हर एक एक्टर आजकल, द एक्चुअल न्यू थिंग इज कि मोस्ट फीमेल एक्टर्स हैव गॉट इनटू प्रोडक्शन, एंड आई थिंक वुमेन It comes with naturally, you know. They are producers in every way and part of life, I guess. So, आपने पहले producer बनने की सोच ली थी या पहले script आपके पास आई और आपको इतनी अच्छी लगी, you said no, let me turn a producer. Actually, what happened is I was contemplating for a long time before I heard that anybody else probably was getting into production. I did think one fine day I will make a film. I didn't know if I would direct it, I would produce it, and फिर of course I came across this concept. एक concept already mind में था. But that was more of a festival film. Okay. And I thought I should make it or not make it, and, you know, we should produce it. And फिर मैंने कहा ठीक है. Then finally, when I was in my director show, we were discussing a script, and then I heard this real life incident actually. And it actually happened with four boys getting caught at the airport. And it was really hilarious. I said, I can't believe it that four boys can get caught at the airport, get interrogated for 8 hours. And they have been, you know, caught because they think they're terrorists. So I said, ऐसे कैसे हो सकता है, you know? I thought it was hilarious. And so ये real life incident. It is a real life incident. Okay. We've taken cinematic liberty, of course. And yeah, we made a script, and I was very kicked about it. And though I'm not acting in the film, like probably every girl would want to exactly and die to, which I'm sure I would like to in the next film. But it was primarily based on four boys, and I said, yes, this is it, and it should be a good film. क्या बात है. और दीपक जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? हाउ डिड यू, ही टुक यू इन एज अ पार्टनर, यू वेंट टू हिम एज अ पार्टनर? दीपक जी, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. एक्चुअली, यू नो, शुभ एंड ऋषिता, दे हैपेंस टू बी योर फ्रेंड्स. तो यू नो, आई नो देम एवर सिंस, यू नो, आई थिंक सम 2-3-4 years. So, and I keep coming to Bombay. So, in one of our... You are Calcutta based. I'm Calcutta based. Okay. And so, in one of our meetings, you know, they discussed with me ki, you know, we have this script and they narrated to me. Even though I'm not from the industry, yeah, but, you know, Bollywood se sabhi ka lagav hota hai. Bilkul hota hai. You know. Aur phir bhi 15% filmen hi chalti hai. Phir bhi 15% filmen hi chalti hai. तो इन्होंने कहा कि भी ये स्क्रिप्ट है और वुड यू लाइक टू पार्टनर विद अस. तो मैंने सोचा कि भी इंडस्ट्री तो नहीं है हमारे लिए और सक्सेस रेट भी पता है. तो फिर हमने सोचा ठीक है, चलो यार, अभी जिंदगी में एक कुछ तो करना चाहिए, ट्राई और भी नहीं कुछ करना चाहिए जो कर रहे हैं. सो वी थॉट ओके, आई सेड ओके, वी विल डू इट. तो वैसे आपका बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस? हम लोग पेन बनाते हैं, कलम. अच्छा, तो आपकी कलम से कहानी लिखी गई है? हमारे कलम से. कलम से फिल्म तक. अच्छा, कलम से फिल्म तक, दैट्स अ गुड वन. और अब जब आपने एक फिल्म बना ही ली है तो फिल्म बिजनेस वन ऑफ केस रहा है कि अब आपको और फिल्में भी बनानी है? वेल, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, बट डेफिनेटली अगर ये, ऑफ कोर्स ये फिल्म के ऊपर काफी डिपेंड करेगा. बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव डन, यू नो, ऑनेस्टली कोमल, इन दिस फिल्म व्हाट वी हैव डन इज लाइक यू सेड, 15% प्रोबेबली फिल्म्स वुड वर्क, अदरवाइज दे वोंट वर्क. सो हमने ये किया है कि वी कीपिंग इन माइंड द टारगेट ऑडियंस, वी हैव काइंड ऑफ वर्कड ऑन द होल स्ट्रेटजी ऑफ नॉट गोइंग ओवर बजट. वी सॉ टू इट दैट द फिल्म वॉज मेड अंडर अ सर्टन अमाउंट एंड दैट वुड प्रोबेबली इवन वॉट वी वुड पंप इन फॉर द पब्लिसिटी वुड बी एब्सोल्यूटली प्रोपोर्शनेट. सो वट हैपन्स इज लाइक प्रोबेबली वन ही कम्स इन एंड यू नो पार्टनर्स विद अस एंड एनीबडी, इन फैक्ट लाइक यू सेड, आईदर यू गेट अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस और यू गेट गुड रिव्यू. सो वट एवर यू एम एट. सो वी सेड ओके, स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्सेप्ट इज किंग एट द एंड ऑफ द डे, स्पेशली वन यू हैव न्यूअर पीपल ऑन बोर्ड एंड अ स्मॉलर फिल्म.
तो हमने बजट के हिसाब से उसको बनाई एंड ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं गए, तो ये सोच के कि डेफिनेटली वी कैन केटर टू अ सर्टेन काइंड ऑफ नीश ऑडियंस दैट वी आर लुकिंग एट एंड ऑफ कोर्स इफ दैट काइंड ऑफ वर्क्स आउट एंड व्हाट इज दैट ऑडियंस. It would be, I'll tell you exactly, it would be people like the youth of today. I'm sure they will connect to it. Even a slightly older generation would, but I think more of youth, you know. You've got a lot of films coming in, especially after Tere Bin Laden and Deli Belly and all of that. So a lot of people want to, you know, watch new cinema, which is youth-oriented and different. सो आई थिंक हमने वो सोच के ये फिल्म बनाई तो है. तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज 60% ऑफ द ऑडियंस तो यूथ ही है. एग्जैक्टली. अगर आपने यूथ के लिए आप देखे तो यूथ के साथ बाकी सब इतने लोग चले जाते हैं. तो समटाइम्स इवन पेरेंट्स गो. आई वाज अमेज्ड हाउ इवन द ओल्डर जनरेशन वांट्स टू वॉच अ लिटिल बिट ऑफ द यंग सिनेमा अराउंड, यू नो. करेक्ट. एवरीबॉडी लाइक्स टू फील यंग ना. दैट्स एब्सोल्युटली. दीपक जी, आपका फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ तो सिलसिला पुराना है बिकॉज शाहरुख खान एंडोर्सेस योर ब्रांड ऑफ पेंस. कैटरीना कैफ इज now going to endorse the other brand of pens. Yes. So how different was it knowing the film stars and working with the film stars? No, I think it was a pleasant experience. Uh-huh. And she is very sweet, very mm-hmm. kind. Mm-hmm. And I'm happy to be, you know, associated with Hrishita as well as with the film. Mm-hmm. And frankly speaking, film banne ke baad, like when I saw the trailer of the film, it was more than my expectations. Mm-hmm. So I got more involved, mm-hmm. more passionate about it. Correct. So I feel this will do really well, and so we can think of the next project. अच्छा, तो आप hands-on producer थे कि या आप सिर्फ check फाड़ने वाले producer थे? आप guess कर सकते हो. I like the way you said it. Yes, absolutely. You just got it right. Hands-on producer Hrishita. Hrishita. Or aap financing producer. Yeah, I did all that work of dirty work of, you know, getting out everybody's But then it was giving you a good insight. Into how production works. Aur kitna paisa aapka kharch ho gaya is film ke banne ke liye? We've looked at about around two we've spent on the film. Making. And now and on the promotion. Publicity would be another, 3.5 probably would look at. And yeah, the total of 5-6. Would be ये फिल्म वाले जितना बोलते हैं ना खर्चा उससे ज्यादा ही होता है. लेकिन ओवर बजट तो ओवर बजट होता है. ओवर बजट्स एंड ओवर बजट्स. यस. Hrishita, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर? I must say different. I love acting. I must say that. Production was fun. I'll tell you why. Because kya hota hai, when you're an actor and you're a producer as well, you are very involved creatively as well. So when it's scripting, it's writing the dialogues and looking at shots, there were times I would check the shots, you know. And it was fun doing it sometimes, you know, being in that seat too. But acha lagta hai because it's difficult for an actor to sit on a seat and just watch, you know. Correct, it's really correct. Difficult. You're always in front of the camera. Exactly. And you know, even creatively you get involved. So there were a lot of inputs in the film which I gave in. There were scenes that were probably visualized. You know, sometimes you get a flash of something and see, it's my basic genre of the film is satire and comedy. Mm-hmm. And that's something I like doing in person. Mm-hmm. So what happens as an actor also sometimes you create, right? You are spontaneous. You do your Correct. Own things on the set. Correct. So kabhi kabhi inputs are sometimes, you know, not offending all my senior actors. I would get into that mold also. But it was fun. I enjoyed it thoroughly. और आपने ये नहीं सोचा कि मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए इस फिल्म में? क्यों? मतलब why this conscious decision? I will tell you that, yeah, it was a conscious decision. Because what happened is that, I'll be honest, off late I haven't taken on much work. I was only endorsing some brands. And I had just decided that I want to do something really nice. I would like a good script coming my way. उस दौरान ये फिल्म आई तो मैंने सोचा कि स्क्रिप्ट अच्छी है, इसमें जबरदस्ती मेरा घुसना बनता नहीं है. एंड जस्ट टू बी जस्ट द लव इंटरेस्ट और एनी ऑफ दैट काइंड ऑफ अ रोल. एंड देयर इज वन रोल व्हिच आमना हैज प्लेड, आमना शरीफ, शी इज इन माय फिल्म. But also somehow I felt that wouldn't do justice to me. So I was a little greedy and I would say that honestly. Therefore you let it pass. I let it pass and I said, I'm sure there will be a better film. Because what I did in fact was I picked up a Marathi script some time back, which I did win awards for. And it was called Mani Mangal Sutra. Correct. So that film probably gave me more pleasure and more, satisfaction, fulfillment as an actor rather than kind of just taking on something. So Correct. That's my look at it, the whole thing. So yeah, if something really nice will come my way, I will get दीपक जी, आप ये तो जानते हैं कि ये इंडस्ट्री स्टार ड्रिवन है और ऑडियंस भी स्टार्स के चेहरे को देखकर थिएटर में जाती है. फिर न्यू कमर्स के साथ, लेसर नोन स्टार्स के साथ आपने पहला अपना कदम बॉलीवुड में रखा, तो डर नहीं लगा? डर थोड़ा बहुत लगा, बट
क्योंकि एक ये हमारे बस के बजट की फिल्म है, इसीलिए ये ऐसा लगा कि भी रिस्क ज्यादा नहीं है. और सेकेंडली आई हैव सीन शुभ हु इज द लीड एक्टर एंड ऑल्सो द डायरेक्टर, या एंड हमने ये भी देखा कि नई कास्ट के साथ भी अगर लेकिन कंटेंट अच्छा हो तो फिल्में अच्छा काम कर रही है. यू नो रिसेंटली अगर आप तो खैर जानते ही होंगे कि लास्ट साल दो साल में कई फिल्में ऐसे आई है नई कास्ट के साथ में, बट दे हैव डन रियली वेल. सो दैट इज माय होप, दैट वाज माय होप, एंड आई थॉट कि यू नो ये अगर स्टोरी अच्छी है तो, और मैं भी फिर अपने आप को मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं फिल्म देखने जाता हूँ बड़ा स्टार है स्टोरी अच्छी नहीं है तो यू नो यू डोंट एंजॉय, लेकिन अगर स्टोरी अच्छी है अगर नई कास्ट भी है तो यू एंजॉय एज अ यू नो व्यूअर. सो सो दैट वाज माय इंस्टिंक्ट एंड आई थिंक आई वुड बी राइट इन दैट. क्या बात है. म्यूजिक म्यूजिक इस फिल्म में क्या रोल प्ले कर रहा है? वेल म्यूजिक इज वाइटल आई वुड से इन एनी हिंदी फिल्म, एंड दो द फिल्म हैज फोर बॉयज and it's youth oriented, you needed that kind of young music. So I have Salim Suleiman doing my music, and we have Honey Singh, who's also very very famous in the north with the Punjabi videos that he's got, and this will be his first debut as a singer, and he's composed this one song which is the title track, Shakal Pe Majja. Okay. And it says Shakal Pe Majja Pandu, you know, that's the title track. Okay. So wo usne compose kiya hai aur gaya bhi hai, and that will be his debut in the Hindi film industry. Oh, that's very so nice. Yeah, his fans so are really, a lot of people are making their debuts. Yes, in this and somewhere or the other they are popular. I like the way you said making debuts in this film. Yeah, that'll be different, but you know, I guess sometimes when new people come together, a lot of films kind of have worked out of the blue and surprised, you know. So I'm correct, just going to be optimistic about it, that you know, correct, everybody brings in their own luck, you know. So definitely, let's hope that's the truth of this film too. Film too. Deepak ji, shakal pe mat ja, to kis par ja? Akal. That's a good question. Akal aur content pe ja. Akal pe. Akal pe ja. Is film mein kya hai? Matlab, what does this film trying to say? Shakal pe mat ja, to fir kis par ja? Content pe ja. I would say it short and sweet, not getting too much into the explanation. केवल शकल पे मत जा. केवल जी, केवल शकल पे मत जा. आपने जैसे कहा कि एक्टर्स हैं, आपके नॉन फेसेस नहीं है तो शकल पे मत जा. करेक्ट. या इफ इफ आई हैड अ बिगर स्टार इन द फिल्म, आई एम श्योर शकल पे जाते लोग. हाँ, मतलब ये नए हैं तो आप शकल पे मत जाओ, कंटेंट पर जाओ. ये भी धमाका कर सकते हैं, ये भी धमाका कर सकते हैं. दैट्स द बेसिक. और रिलीज स्ट्रैटेजी आपने, मतलब यू हैव सोल्ड इट टू सम कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल किया है, कैसे? हाउ हैव यू प्लान्ड योर रिलीज? रिलायंस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर फिल्म, सो हम लोगों ने वो आउटराइट सेल नहीं किया, एंड बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म, एंड वैसे भी आप जानते हो नए प्रोड्यूसर की फिल्म, करेक्ट, ये आउटराइट सेल करना भी मुश्किल हो जाता है. मुश्किल हो जाता है. करेक्ट. तो सो दैट वुड बी द रियल रीजन, बट वी स्पोक टू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू नो, टॉप लीग डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड all of them like the film. Yeah, that is and something they agreed which I to must distribute. Agree yeah. with. A lot of people did ask us, that's you know. Very good. And though Deepak ji's decision was to go with Reliance, and so we also wanted to go and associate with them, and they've been very, very helpful, you know. So I must say that, like you said, you know, it is difficult for a new producer and a production Definitely house to put their, you know, set them to up. To even find a distributor own, is also exactly difficult. To get somebody interested is also difficult. And also difficult, the good thing yeah. was that we got calls from a lot of people on our own. And I wanted to work with most of them, you know, honestly speaking, because I know them. Because you them. Know all of them. Yeah. And mujhe itna bura laga, but I said, no problem, maybe Reliance is the one. And I know Reliance also because they've done my Marathi film. So they've been supportive there too. Correct. So I said, theek hai, maybe we can start with Reliance. And ho sakta hai, Reliance is lucky for you. एक exactly. मराठी फिल्म के साथ जुड़े तो आपको अवार्ड्स मिले, आप शायद बॉक्स ऑफिस रिवॉर्ड्स मिल जाए. यू नेवर नो, यू नेवर नो. चलो, फिंगर्स क्रॉस. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू द टू ऑफ यू. थैंक यू. वेरी नाइस. एंड हियर्स विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू कोमल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.